subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. ये मिस्टर मोइनुद्दीन इस वक्त अपने आलीशान घर में तन्हा बैठे, माथे पर फैली लकीरें इस अमल की गुमाज है कि मिस्टर मोइनुद्दीन किसी गहरी सोच में मुब्तला है। कोई परेशानी है जिसने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है। मिस्टर मोइनुद्दीन ज्यादा परेशान होने या परेशानियों पर सोचने के आदि नहीं थे। आमदन माकूल थी, कराची जैसे शहर में मोटरों का बहुत बड़ा शोरूम था। सोसाइटी में आला हलकों में बड़ा नाम था। यू टिकटिकी बांध के क्या देख रहे हो? कभी गौर से कभी देखा नहीं क्या? तुम्हें तो देखता रहता हूँ हर वक्त, चाहे मेरी आंखें खुली हो या बंद, हर वक्त हर जगह तुम्हें नजर आती। और अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आ सकी तो? आइंदा ये लफ्ज मुंह से ना निकालना। देखिए, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने बगैर तो रह सकता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं। इतना प्यार करते हो मुझसे? इससे भी ज्यादा, जितना कोई किसी को चाह सकता है उससे भी ज्यादा। भले मैं तुम्हें चाहूं या ना चाहूं। हाँ, मेरी मोहब्बत मशहूर नहीं है, और जोरा ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं औरों से मुख्तलिफ आदमी हूं। ये मोहब्बत आशिकी सब फजूल लगता था मुझे, पर पता नहीं तुम, तुम्हारी आंखें, या फिर पता नहीं ऐसा क्या था जिसने मुझे तुम्हारा बना दिया। ये मेरी पहली मोहब्बत है। और शायद आखिरी मोहब्बत। लेकिन बाबा हमारी शादी पे बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी मुझे? अच्छा खासा कारोबार है मेरा, उम्री मेरी ज्यादा नहीं है, कारोबारी सूझ बूझ भी है मुझे। पता है क्या जोरा, मेरे बाबा कहते हैं कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत अमीर हूं, इज्जत होगी इस माशरे में मेरी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे बाबा को जानते हो, पुराने ख्यालात हैं उनके, पढ़ाते हैं मुझे, और खानदान से लड़की बाहर तो कभी भी शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी नहीं। अगर हम छुपकर ब्याह कर लें तो? तो शक्ल नहीं देखेंगे हमारी, और शायद मार भी डालें हम दोनों को।
चाहे मार डाले, लेकिन तुम्हें हर कीमत पे हासिल करना मेरी जिद है। इस जिद में मेरा प्यार है, इस प्यार में मेरी इज्जत। बहुत परेशान हूं, सब ठीक तो है ना? ठीक है भी और नहीं भी। उलझी उलझी बातें क्यों कर रहे हो? उलझी बातें नहीं कर रहा, शहर में फसादात बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारा बाप मानने को तैयार नहीं। मैंने अम्मा को इशारों में बताने की कोशिश की थी, मगर मगर उन्होंने भी यही कहा कि बाबा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और तुम भी। मैंने मेरे चाचाजाद भाई से बात की है मेरे लिए। ऐसा ना करें कि कहीं भाग चले। भाग? मगर हम भाग के जाएंगे कहां? किसी शहर में, किसी दूसरे शहर में, ऐसी जगह जहां हमें कोई ना पहचानता, तुम्हें कोई ना पहचानता हो, तुम्हारे बाप को कोई ना पहचानता। क्या ये करना बहुत जरूरी है? हाँ। मैं अपने बगैर तो जिंदा रह सकता हूं, पर तुम्हारे बगैर नहीं। तुम्हें अंदाजा नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि तुम्हारे लिए जी भी सकता हूं, मर भी सकता हूं। किसी के प्यार में जीना बहुत मुश्किल होता है, मरना बहुत आसान। मैं तुम्हारे प्यार में जीना चाहता हूं, तुम्हारे प्यार में मरना चाहता हूं, तुम्हें खुशियां देना चाहता हूं। और मैं भी यही चाहती हूँ। मेरी मर्जी की जिंदगी, मेरी मर्जी की खुशी और मेरी मर्जी का प्यार। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, इसी में मेरी खुशी है। तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरा दिल करता है कि जो तुम कहो तुम्हें ला कर दूँ, जो तुम सोचो वो मैं कर दूं। मगर कैसे होगा ये सब? कब होगा? बहुत जल्द। मैंने सोचा है कि अपना सारा कारोबार समेट कर किसी को बेचकर बॉम्बे से चला जाऊं, तुम्हारे साथ। चलोगी ना मेरे साथ? दुनिया बिल्कुल बदली बदली सी लग रही है ना, तो तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैं सपनों में देखता था तुम्हें। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी से पहले मुझे देखा ही नहीं था। देखा था, देखने की बात कुछ और है और दूसरे तौर पे देखने की बात कुछ और है। पहले और अब में बड़ा फर्क है, लेकिन तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं।
चलो ये सब तो हो गया, अब क्या करना? कुछ अरसे तो छिपके रहना होगा हमें, ये नहीं कि हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते। इस होटल के कमरे में बंद रहेंगे? जी जनाब, ये होटल का कमरा ही हमारा घर है, यहीं खाएंगे यहीं पिएंगे और यहीं मजे करेंगे। पर कब तक मोइन? जब तक हमारी तलाश जारी रहती है, जब तक तुम्हारे पास सुकून से नहीं बैठ जाते। पुलिस हमें ढूंढ रही होगी, पर्चा कटा हुआ है मेरे खिलाफ, तुम घर से भागी हुई हो। पर उनको क्या पता हम कहाँ हैं? बम्बई तो छोड़ आए हैं। पहले बॉम्बे में ढूंढेंगे हमें, फिर दूसरे शहरों में। ये जो पुलिस होती है ना, ये बड़ी अजीब और गरीब मखलूक होती है। मुजरिम को पाताल में से भी ढूंढ के निकाल लाते हैं वो लोग। पर हम मुजरिम तो नहीं है, मैं बालिग हूँ। और बात भूली हो तुम सोना, हमारे माशरे में अपनी मर्जी से भाग कर शादी करने वाले मुजरिम के जुमरे में आते हैं, और खास तौर पर उस वक्त जब लड़की का बाप बहुत बासर हो। तुम मेरे अब्बा से डरते हो ना? नहीं, अपनी इज्जत से डरता हूँ, अपने प्यार से डरता हूँ। अगर पुलिस यहाँ पहुंच गई तो थाना कचहरी होगी, कितनी बदनामी होगी हमारी। ऐसा नहीं होने दूंगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारी नाक नहीं कटेगी। सारा मसला ही तो नाक का है ना, हमारी शादी की वजह से तुम्हारे घर वालों की नाक कट गई होगी, इससे डरता हूँ। मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है। एक बात कहूँ, तुम्हें मेरी मोहब्बत प्यारी है या अपनी इज्जत? दोनों, अपनी इज्जत भी और तुम्हारी मोहब्बत भी। जितनी अपनी इज्जत प्यारी है मुझे, उतना ही प्यार करता हूँ तुमसे। और खाने से? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे भूख लग रही है, प्यार से पेट थोड़ी भरता है। सॉरी, मैं कुछ खाने के लिए कह के आता हूँ। ये क्या मिठाई हमने मंगवाई नहीं भाई? साहब ये मिठाई है पाकिस्तान बनने की खुशी में। क्या मतलब? साहब पूरे शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। इधर आओ। सोई नहीं तुम अभी तक? माथा माथा। यस मैम। बेबी को ले जाओ, उसके सोने का टाइम हो गया, वो दिन आते ही होगी। मैं
आज आप खाना घर पर खाएगा? नहीं, हम लोग पार्टी पे जा रहे हैं, देर हो जाएगी। तुम बेबी को सुला के सो जाना। शुक्र है खुदा, आप आते। मैं तो समझ लिया आज आपको फिर देखा जाए। शुक्र है तुमने खुद को संभाल लिया, वरना माया तो बेटों के गम में आधी हो जाती है ना। आप भी। अब मैं बच्ची नहीं हूँ मोहिद्दीन। हमारे बेटे का मुस्तकबिल इसी में है कि जब पढ़ लिख कर आएगा तो एलीट क्लास की जान होगा। ऑफ कोर्स। बाय द वे, पार्टी के लिए तैयार हो या कोई एहतमाम बाकी है? क्यों, कैसी लग रही हो? ब्यूटीफुल। हमेशा की तरह हसीन तरी। देखना आज की पार्टी में सारे की सारी बेगमा तुम्हें देखते की देखते रह जाएंगी और चलकर कबाब हो जाएंगी। और उनके हस्बैंड्स? ऑफ कोर्स, तुम हो ही इतनी ग्रेसफुल के जो भी तुम्हें देखे देखते का देखता रह जाए। और तुम जलकर कबाब बन जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है, मुझे अपनी किस्मत पर नाज है। जिसे चाह उसे पा लिया। तुम हो इतनी पुरकोशिश कि कोई भी तुम्हारे लिए जान दे सकता है। और तुम भी? कोई शक? अगर नहीं तो आसमान तुम्हारे प्यार में जान नहीं दे सकता, लेकिन जब कहोगी तब। ओफो, बस भी कीजिए, बंद कर दीजिए अपनी ये बातें। जानते हो आप कितना प्यार करते हैं मुझसे, जिंदगी बदल दी आपने। अब तैयार हो जाइए, सब इंतजार कर रहे होंगे।
बहुत परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। तो फिर इतना चुप चुप क्यों बैठे? इससे पहले तुमने मुझे कितना चाहते हुए देख लिया? नहीं, लेकिन फिर भी तब्दीली तो तुम में आ गई है। इतना मार्की का इश्क किया तुमने मेरे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारी शख्सियत में कितना ठहराव है। तुम जानती हो कि ये मेरी ओरिजिनल पर्सनालिटी है। इतना वक्त गुजर गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन तुम नहीं बदले। लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना। जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हारे प्यार में कोई कमी नहीं है। पर क्या? पर ये कि तुम्हारा दिल तो आशिकाना है मगर दिमाग ताजिराना है। और क्या, हर वक्त बिजनेस हलाता रहता है तुम्हारा दिमाग। लेकिन दिल तो जोरा जोरा पुकारता है। जानती हूँ, तुम वाकई पक्के आशिक निकले। किस क्लास से उठाया मुझे और कहाँ ले आए, टोटली चेंज, सब बदल गया है। हाँ। लेकिन कुर्बानियां तो देनी पड़ती है इस क्लास में खुद को मेंटेन रखने के लिए। जानते, लेकिन सिर्फ कुर्बानियां ही नहीं बल्कि अपने आप को मानना भी पड़ता है। बड़ी मुश्किल से मिलती है ये इज्जत इस माशरे में। ये इज्जत, ये नाम, ये मकाम, इसे पाने के लिए कितना दीवारों और काम किया जोरा देखा। लेकिन इसे कायम रखने के लिए इससे कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, बस यूं ही रवानी में कह गया। चलें क्या? नींद आ रही है क्या? हाँ। गलती तो नहीं कर रहा? मिस्टर एहसन मेरे करीबी दोस्त हैं और सोरा नहीं, सोरा का झुकाव कुछ ज्यादा हो गया मिस्टर एहसन की तरफ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस्टर एहसन मुझसे ज्यादा दौलतमंद है इसलिए? मैं खामखाब जज्बाती हो रहा हूं। बहुत फर्क है इन दोनों की उम्रों में। बहुत बड़े मिस्टर एहसन मेरी जोरा से उम्र में,
और फिर मोहब्बत करती है मुझसे। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं उसके बारे में? क्या मुझे अपने जोहरा पर एतबार नहीं रहा? लानत है मुझ पर। बरस मेरे साथ गुजार चुकी है, मेरे दो बच्चों की मां है, ये मेरी मोहब्बत है। ये मेरी मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे रकाबत महसूस हो रही है। ये दोनों तो दोस्त हैं महज, जैसे मैं और मिस्टर हसन हैं। सॉरी जोरा, आई एम सॉरी। मिस्टर एहसन गाहे गाहे जब कोई पार्टी दी गई हो मिस्टर मोइन के यहाँ आया करते थे, मगर कुछ अरसे से अब उनके घर में उनका बाकायदा आना जाना शुरू हो गया था। मोइन की गैर मौजूदगी में भी मिस्टर एहसन उनके घर आ जाते और घंटों जोरा के पास बैठे रहते। लेकिन इसके बावजूद दोनों ने जोरा से कभी कुछ नहीं कहा। दरअसल उनकी जुबान पर ऐसे अल्फाज आते ही नहीं थे जिनसे वो शकूक का इजहार करते। वो ऐसे माहौल में रह रहे थे जहां इस किस्म के मामलों में
लबकुशाई मायूब ख्याल की जाती थी। सो रोशन ख्याली का तकाजा यही था कि वो खामोश रहे। अच्छी दोस्त है और दोस्तों से कुछ छुपाया नहीं जाता। क्यों भी? या अगर दोस्ती का रिश्ता पायदार हो तो मेरे ख्याल में उसमें कुछ छुपा नहीं रहना चाहिए। अच्छा जी, तो अब आप तो अब आप भी यही कहते हैं कि मुझे उम्र नहीं छुपानी चाहिए। हाँ, और आपकी उम्र जो है वो तो आपके हुस्न छुपाएगी। और ये बात मुईन से ज्यादा बेहतर कौन जानता है? क्यों मुईन? ये अच्छा तरीका किसी के हुस्न की तारीफ करने का? नहीं, इसके अलावा इससे भी अच्छा एक और तरीका है, और वो है ये क्या है? ये आपके हुस्न के लिए, उसको निखारने के लिए एक हसीन तोहफा। दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट। कर दिया ना राजबाबिया, पैसे नहीं आया मेरा तोहफा। ये बहुत कीमती तोहफा है और इतना कीमती तोहफा लेना मुनासिब नहीं लगता। क्यों जोरा? हाँ जी, कोस अगर ये हार तुम्हारी गली की जीनत नहीं बना तो मैं समझूंगा कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का तोहफा कबूल नहीं किया। मुझे दुख होगा, लेकिन ये बहुत कीमती है मिस्टर महसूस। नहीं देखो, बात असल ये है कि मेरे नजदीक रिश्तों की कोई कीमत नहीं होती है। और जैसे तुम जानते हो कि मैं हीरो का ताजर हूँ, वैसे भी के ताजर हूँ बल्कि हीरो का चोरी हूँ। जांचता हूँ, परखता हूँ, मुझे पता होता है कि कौन सा हीरा किस हीरे के साथ सजता है। तो लाइए, आप अपने हाथों से।
permission? Very nice. Thank you. Thank you, and pleasure is entirely mine. क्या ये वाकई मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा? किसने कहा तुमसे? बहुत जज हो रहा तुम पर। वैसे मिस्टर एहसन ने भी क्या फिक्रा कहा था। बहरा अरब की पानियों में सिपियों ने इन हारों की मोती खास तुम्हारे लिए पैदा किए जोरा। वैसे भी हीरों का जो है दौलतमंद तो वह ही है, दिल के भी बहुत बड़े। तुम चल रहे हो? ऐसा किसने कहा? मैं तो खुश हो रहा हूं तुम्हारी तारीफ सुनकर। जॉन, अब से 15 मिनट बाद जो मीटिंग है उसे किसी और दिन पे रख लो। तभी ठीक नहीं, घर जा रहा हूं। एहसन साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो मुझे तलाक दे देंगे। कैसे? इतने आसानी से? बहुत आसानी से। मैं उनसे मांगूंगी और वो मुझे दे देंगे। सच सच बताइए, कहीं आप दोनों के दरमियान कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं तो, सब ठीक है। बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे। हैरत है, मोहब्बत भी करते हैं और आप दोनों के दरमियान कुछ गड़बड़ भी नहीं है, फिर भी वो आपकी बात इतनी आसानी से मानेंगे? क्योंकि
क्योंकि आज तक उन्होंने मेरी कोई बात नहीं डाली। मतलब? मतलब ये कि जिंदगी में मैंने जब भी उनसे कुछ मांगा है उन्होंने दिया है, किसी बात को इनकार नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। मैं उनसे प्यार से तलाक मांगूंगी और वो दे देंगे। वाकई ताज्जुब भाई, इसमें ताज्जुब वाली कौन सी बात है, उन्होंने मेरी हर फरमाइश को पूरा किया। आपको पता है अगर मैं उनसे कहूँ कि 5 मंजिला से कूद जाए तो वो कूद भी जाएंगे। बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ऐसी कई तस्वीरें तो मेरे कमरे में भी पड़ी हैं। आइए ना, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। हसन आए थे साहब? नहीं, ये चले गए। वो तो चले गए। जाऊं? आज आपको देर हो गई। वो दफ्तर में काम जरा ज्यादा था। चाहिए मुझसे? आपको कैसे मालूम? मैंने तुम्हारी और मिस्टर एहसन की बातें सुनी थी। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। क्यों? मैं सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। अब मैं अपनी इज्जत और नाम पर हर्फ आता नहीं देख सकता।
याद है ना कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी इज्जत का बहुत ख्याल रहता है? तो ये भी याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपनी इज्जत भी चाहिए और तुम्हारी मोहब्बत भी। जितनी मुझे अपनी इज्जत अजीज है उतना ही मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। जो तुमने मुझसे मांगा वो मैंने तुम्हें दिया, लेकिन अब जो तुम मुझसे तलब कर रही हो उससे नाक कट जाएगी मेरी सोसाइटी में। लेकिन मैं उससे वादा कर चुकी हूं। इसका मतलब है कि कोई दूसरा रास्ता तलाश करते हैं, क्योंकि तलाक तो मैं तुम्हें कभी दूंगा नहीं, कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। वैसे तुम्हारे वादे का पास है मुझे। तुम्हें मेरे वादे का पास है मगर तलाक नहीं देना चाहते। बिना तलाक के मैं शादी कैसे कर सकती हूं? क्या तुम वाकई उससे शादी करना चाहती हो? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा दिल वाकई मेरी मोहब्बत से खाली हो चुका है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत वैसी की वैसी मौजूद है, एक रत्ती कम नहीं हुई। कैसे कह सकती हो? मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूं, या उससे भी बड़ी कसम आप उठवाना चाहें तो मैं उठा लेती हूँ। दिल आज भी आपकी मोहब्बत से भरा हुआ है, मगर क्या मालूम नहीं क्यों आप जी चाहता है ऐसे के साथ रहो।
मेरे घर भी आती जाती रहोगी। के लोग इस कसम की बातें ना बना सके कि मोइनुद्दीन अपनी बीवी की फरमाइशें पूरी ना कर सका। इसलिए उसने अपने शौहर से तलाक लेकर एक करोड़पति रणवे से शादी कर ली। उस पे हर फायदा मेरी नाक कट जाएगी। मैं किसी से आग मिलाकर बात करने के काबिल नहीं रहूंगा। इसके अलावा मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं, शदीद मोहब्बत। मैं तुम्हारी सारी खामियां बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाओ। मैं तुम्हें जोर दे, तुम्हें भी मान गया और मोइनुद्दीन की मोहब्बत को भी मान गया। तुम्हें अपने शौहर को हैंडल करना भी आता है और अपनी मोहब्बत को भी। बस
पता नहीं मैंने ठीक किया है या गलत। ये ठीक और गलत इसका फैसला तो बाद में होता है। फिलहाल मैं उधर सरदा जो कुछ हो रहा है मुझे तो वही ठीक लग रहा है। ये फैसले और नतीजे तो बाद में ही सामने आते हैं। मगर दिल में एक इत्मीनान सा है कि शायद मैं मोहिउद्दीन से कुछ छुपा रही हूं। कितनी अजीब सी बात है, मोहिउद्दीन के होते हुए भी मैं तुम्हें जाने लगी। क्या वाकई औरत भी मर्दों की तरह होती है जो फैसला ही नहीं कर पाती कि वो असल में मोहब्बत किससे करती है। ये बड़ी तवील बहस है स्वीटहार्ट, बहुत तवील। मैं तुम्हें इससे पहले बता चुका हूं ना कि मैंने जिंदगी में किसी से मोहब्बत नहीं की। मेरी बीवी है, बड़ी अच्छी औरत थी, मेरा साथ ज्यादा ना दे सकी। बस आबाद ये कि मैंने उसे मोहब्बत भी नहीं की। मैंने जिंदगी में अगर किसी से मोहब्बत की है तो तुम जाने कैसे। मैं भी कभी समझ नहीं पाई क्या जिंदगी में ऐसा भी होता है। Perhaps. ऐसा होता होगा, तभी तो मर्द एक के बाद दूसरी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसे क्या इन्वॉल्वमेंट को मोहब्बत का नाम दिया जा सकता है? ये भी एक तवील बहस है। सारी उम्र पड़ी है इसका सिरा तलाश करने के लिए, लेकिन मोहब्बत के लिए कितनी मुख्तसर है ये जिंदगी। हाँ, इसका मुझे एहसास है, बहुत शिद्दत से एहसास है। क्या ख्याल, बाहर जाके खाने का मूड है? श्योर।
हाँ नहीं भाई, एक गाड़ी तो मैंने भिजवा दी है लाहौर, और एक भिजवाई मैंने ये अपने पेशावर में नवाब साहब को और तीन सेठ साहब को। शेवरलेट यार, उस पे दिलावर 3 महीने लग जाएंगे। हाँ थोड़ा सब्र कर लो भाई, 3 महीने में ये भी होगा, कलर भी तुम्हारी मर्जी का मिल जाएगा, जो तुम कहोगे। कौन भाभी? जोरा, दिलावर भाई बात करना चाहते हैं तुमसे। अरे लाइए। हेलो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अरे नहीं बस बिजी ही थे। और आप सुनाइए भाभी कैसी? जोहरा, मिस्टर एहसन और मिस्टर मोइनुद्दीन के दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हो गया था कि वो एक दूसरे से अब इस मौजू पर बात ना करते थे। जब मोइनुद्दीन को अपनी बीवी के गुनाह पर एतराज नहीं था तो मिस्टर एहसन भला इस बुराई से क्यों कर इनकार करते? चुनाचे अब जोहरा कई कई दिन मिस्टर एहसन के घर पर उनके साथ रहने लगी, और जब अपनी बच्ची की याद सताती या मिस्टर मोइनुद्दीन का प्यार याद आता तो वो खामोशी से वापस घर आ जाती और मिस्टर मोइनुद्दीन के साथ भी जिंदगी के दिन गुजारती। इसकी मोहब्बत के दिल से कायल थे। उन्होंने ये बात जोरा को कभी नहीं बताई थी कि वो दिल के मरीज है। एक रात उन्होंने जोरा की मोहब्बत को सराहते हुए अपनी सारी जायदाद और दौलत जोरा के नाम कर दी। जोरा हैरान रह गई। ये क्या? मेरी मोहब्बत का खिराज। मैं समझी नहीं। जरा ये मेरी वसीयत के कागजात हैं, तुम्हारे नाम, सब कुछ मेरा तुम्हारे नाम। इसकी क्या जरूरत थी? आप क्या समझते हैं मैं आपके साथ आपकी दौलत की लालच में? जोरा, जोरा नहीं, प्लीज खुदा के वास्ते आइंदा ना कभी ऐसे कहना ना कभी ऐसे सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर करता हूँ और
मैं तो कभी तुम्हारे मुताबिक से सोच भी नहीं सकता, तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो फिर ये क्या है? दौलत तो मेरे पास बहुत है, मोहिद्दीन ने बहुत कुछ दिया है मुझे। सूरत, तुम इस बातों को मुझे बहस क्यों बना लेती हो? तस्वीर का दूसरा रूप तो देखा करो। अच्छा, तो दिखाइए तस्वीर का दूसरा रूप। बात यह है कि मोइनुद्दीन ने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन तलाक न दी ताकि तुम मेरी पूरी की पूरी ना हो सको। उसने अपने हिस्से की मोहब्बत तुम्हारे दिल में रहने दी। तो फिर यह है कि मैं भी तो ये साबित करना चाहता हूँ कि हमारी मोहब्बत जो है वो बाकी उबाल नहीं है। अगर तुमने अपना सब कुछ मुझे सौंपा है तो मैं भी अपना सब तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं है। मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किसी किस्म का मुआवजा वसूल कर रही हूं आपसे। बस यही फर्क होता है कि अगर औरत किसी से कोई चीज वसूल कर ले, उसका तोहफा कबूल कर ले, तो वो मुआवजा कहलाती है। और जब वही चीज शौहर मोहब्बत से दे औरत को, तो वो उसका हक कहलाती है। मैं भी तुमको साबित करने के लिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर नहीं, लेकिन फिर भी शौहर का हक तो निभा सकता हूं ना, ये साबित करने के लिए ज़रा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही मोहब्बत और एहतराम है जो एक जाने वाले शौहर के दिल में अपनी बीवी के लिए होता है। यस। जिंदगी बड़ी हमवार गुजर रही थी। मिस्टर मोइनुद्दीन ने कभी भूलकर भी ना तो एहसन का तस्करा किया और ना कभी गिला किया कि वो हफ्ते में 3 दिन के लिए मिस्टर एहसन के पास चली जाती थी। ना ही जोहरा ने कभी एहसन और अपने हवाले से कभी कोई बात की। कई माह गुजर गए। उसने एहसन की वसीयत और जायदाद के बारे में मिस्टर मोइनुद्दीन से तस्करा भी ना किया। वो जानती थी कि इस बात से मोइनुद्दीन के वकार को सदमा पहुंचेगा। और फिर एक रात मिस्टर मोइनुद्दीन पर दिल का दौरा पड़ा। Thank you.
जो तो सही है, क्या है? अरे कब्जा मिल गया हम लोगों को। ये तुम्हारे लिए क्या है? ये लो। तुम्हारा तलाकनामा।
और ये भी तुम्हारे लिए। तुम्हारा हक मैं 20,000 रुपये। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब ये है कि मुझे अपने इज्जत और नामूस बहुत ज्यादा अजीज है। तुम्हारी मोहब्बत से भी ज्यादा अपने इज्जत और नामूस के लिए और थोड़ी सी मोहब्बत के लिए मैं तुम्हारी बड़ी से बड़ी बुराई को सरफे नजर करने पे मजबूर हो गया था। और लेकिन अब इसकी क्या जरूरत है? अब तो वो हाँ अब तो वो मर गया। और जब मेरी जान पहचान के हलकों को ये खबर होगी कि मिस्टर अहसन अपनी सारी जायदाद मेरी बीवी के नाम करके मर गया है तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्या क्या कहानियां खड़ी जाएंगी। नाक कट जाएगी मेरी सोसाइटी में और यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बिल्डिंग भी तुम्हारी है, रजिस्ट्री के कागजात तुम्हें मिल जाएंगे। और हाँ वो अगर वाकई तुम्हें लगे कि अब भी तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मेरी तरह तो तुमसे कभी कभार मिलने आ जाए करूंगा। अगर जी हम मियाँ बीवी नहीं रहे लेकिन जरूरी नहीं है कि मोहब्बत के लिए मियाँ बीवी का रिश्ता हो। और ये सबक तुम्हें से सीखा है।